मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। चोर की राहगीरों ने जमकर की पिटाई, चैन स्नेचर ने महिला का काट दिया गला, विधायक ने करवाई टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई, कहा पत्नी ने पति को टेम्पो से बांध कर खिंचवाया, 9,54,00,000 की मनपा ने की वसूली। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चैन स्नेचर ने गोद में 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर जा रही एक महिला के गले में चाकू मारकर स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया। मामला दिल्ली के आदर्श नगर का है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। शॉपिंग से लौट रही महिला के गले में चाकू से वार कर चैन स्नेचिंग कर फरार हो गया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर महिला की मौत हो गई। चैन स्नेचिंग में जान गंवाने वाली महिला की पहचान सिमरन कौर के रूप में हुई। अपना दल के विधायक राकेश वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी और कार्यकर्ताओं से टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई करवा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। विधायक पर आरोप लग रहा है कि टोल प्लाजा के कर्मियों को पीटने के बाद टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया है। टोल प्लाजा कर्मियों के अनुसार एक गाड़ी आई जिसमें 2019 का विधानसभा पास लगा हुआ था। जैसे ही पूछा गया कि गाड़ी किसकी है, विधायक के गनर ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं विधायक ने भी सफाई में कहा है कि टोल कर्मचारी शराब पी रखे थे और लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। गुजरात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति पत्नी के बीच रोज रोज झगड़े से परेशान होकर महिला ने पति को टेम्पो से बांध कर करीब आधा किलोमीटर जमीन पर घसीटवा दिया है। महिला का नाम शीतल और उसके पति का नाम बाल कृष्ण बताया जा रहा है। शीतल ने अपने भाई को बुलवाया और टेम्पो में पति को बांध कर उसे जमीन पर करीब आधा किलोमीटर घसीटवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने टेम्पो को रुकवाया और महिला और उसके भाई दोनों की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया गया है। मगर वहीं घायल बाल कृष्ण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाला छुपारा के तुलिंज में चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिर क्या था, राहगीरों ने इस पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया और इस चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। राहगीर इस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे और रास्ते में जो भी मिला इस चोर पर हाथ साफ करते गया। बताया जा रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर ये चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, मगर इस चोर की किस्मत खराब थी और ये पकड़ा गया। पिटाई करने के बाद राहगीरों ने इसे पुलिस को सौंप दिया है। ये आया और उधर से देखा मैंने, ये कहां पर ये स्टेशन की बात कर रहा है, स्टेशन ईस्ट में ये बंदा जो है ये पैसे को छीन के लेके भागने लगा और वो जोर से आवाज लगा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ठीक है। तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, फिर जब मैंने उनके सामने आया पकड़ने के लिए ना इतना बुरा धक्का मारा मैं इधर हो गया, ठीक है। फिर आगे जाके इसे पकड़ा गया, फिर इसका पैसा वापस इन्होंने पकड़ के लेकर के अभी स्टेशन में आए हुए हैं, इधर नाला सुपारा स्टेशन पुलिस स्टेशन में। मुंब्रा प्रभाग समिति में पानी और प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल 31 मार्च से जो वसूली हुई थी उससे इस साल 1 माह 3 दिन में पहले 18,00,000 से अधिक वसूली हो चुकी है, यानी कि 26 फरवरी तक 9,54,00,000 तक वसूली पहुंच गई है। वहीं नैनेश भालेराव ने बताया है कि पानी और प्रॉपर्टी बिल न जमा करने वालों पर अभी कार्रवाई जारी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।